हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम माइक्रोस्कोप का लेवल डायग्राम इजी वे में कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए और दिए गए बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। अब नीचे हम कर्व लाइंस बनाएंगे, इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। नीचे अब हम थोड़ा थिक ट्यूब बनाएंगे। इसे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसके नीचे भी हम एक और कर्व लाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे साथ इसे ड्रॉ करना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, मैं इसे बहुत ही इजीली बताऊंगा। यहाँ पे हम एक लेंस बनाएंगे। देन गाइस, इसे हम क्लोज कर देंगे। अब हमें साइड में भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना है। देखिए मैंने बना लिया, बीच में भी हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देंगे। अब यहाँ पे हम एक स्क्वायर बनाएंगे। इसमें हम दो होल्डर बनाएंगे जो स्लाइड होल्ड करते हैं। होल्डर के लिए हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर स्पून टाइप का बना देंगे। यहाँ पे भी हम वैसा ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसके नीचे हम स्लाइड पुट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इजी स्टेप्स में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ और उनका नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा। अब हम बेस मैटर के लिए लाइन बनाएंगे। इसे हमें स्लाइड तक ले जाना है, वहां से कर्व करके नीचे लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए मैंने कर दी। अब हम यहाँ पे स्क्रू को रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे हम एक सर्कल बना देंगे। यहाँ पे भी हमें एक और लाइन बना देनी है। यहाँ पे हम एक होल्डर बनाएंगे। होल्डर में हमें एक मिरर बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना दिया। अब नीचे होल्डर का बेसमेंट बनाएंगे। इसमें हमें लाइंस ड्रॉ कर देनी है। अब हम माइक्रोस्कोप का भी बेसमेंट बनाएंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं कैमरा वहां तक रोटेट कर दूंगा, आप लोग तब तक ऊपर का स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे बेसमेंट में बनाना है। हमें ऊपर के बेसमेंट में लाइन्स ड्रॉ करनी है।
नीचे भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हम एक होल्डर बनाएंगे, इसमें हम एक सर्कल बना देंगे, इसके अंदर स्क्रू बनाना है। इससे अब हमें एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जो नीचे तक कनेक्ट होगी। इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। अब कर्व लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे हम एक स्क्रू बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डायग्राम हो गया है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा।